हर पेरेंट का एक सपना होता है कि उसके बच्चे की एडमिशन अच्छे से अच्छे स्कूल में हो जाए। और अब जैसे आप प्लस टू के एग्जाम दे रहे हैं, उसके बाद चूज करने की बारी आपकी है, आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री हासिल करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, आपका करियर डिपेंड करता है। किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन की हो, वहां से डिग्री हासिल की हो, तो प्लेसमेंट जो है बहुत सुविधाजनक हो जाती है, बहुत आराम से हो जाती है। हमने देखा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए केरल से, तमिलनाडु से, बंगाल से, यूपी, बिहार, सारे ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में आकर एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे ग्रेजुएशन किया हो तो प्लेसमेंट बहुत आराम से हो जाती है। इसी तरीके से हमने देखा है पंजाब यूनिवर्सिटी में भी हिमाचल, पंजाब और हरियाणा से स्टूडेंट्स आके यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं रेपुटेशन मैटर करती है, वो काउंट करती है। और जैसा कि आपने देखा है कि CUET अनाउंस हो चुका है, जिसके बारे में हमने पहले भी आपको बताया था, और पहली वीडियो जी उसका लिंक ऊपर दिया गया है, उसमें डिटेल भी आपको बताई थी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो ऑलरेडी ये चीज अनाउंस हो चुकी है, वहां पे जितनी एडमिशन होगी वो CUET के द्वारा ही होगी। तो देयर आर अराउंड 47 यूनिवर्सिटीज जहां पे ऐसी एडमिशन होने वाली है। अब आपने चूज करना है कि आप अपने ग्रेजुएशन कहां से करना चाहते हैं। ऐसा ही इस बार पंजाब यूनिवर्सिटी में भी मोस्ट प्रोबेबली ये कहा जा रहा है कि यहां पे भी जितनी एडमिशन होगी वो भी CUET के द्वारा ही होगी। सो दैट मींस अगर आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करनी है तो आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर ही रहे हैं, पर उसके साथ साथ जो चीजें ऐड हो गई हैं उसके लिए शायद आपने तैयारी नहीं की होगी। उसके लिए ज्ञानम ने कुछ कोर्सेज लॉन्च किए हैं, ऑफलाइन भी लॉन्च किया है, ऑनलाइन भी लॉन्च किया है, दोनों आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है आप हमारी वेबसाइट से भी मिल जाएगी, हमारी एप्लीकेशन जो है ज्ञानम की एप्लीकेशन है वहां से मिल जाएगी। ये हमारे नंबर दिए गए हैं 9117 3434 एंड 9914633322। आप कॉल करके यहां से भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और जैसा मैं कह रहा था आपको कि इस बार का जो पैटर्न है वो कैसे रहेगा कि आपके बेसिकली CUET एग्जाम तीन पार्ट में है। पार्ट वन इज लैंग्वेज है, वहां पे आपको इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, जो भी आप लैंग्वेज चूज करना चाहते हैं, और जो लैंग्वेज चूज करेंगे वही आपका माध्यम हो जाएगा कि आपके बाकी टेस्ट भी उसी लैंग्वेज में आप दे सकेंगे। सो एक तो लैंग्वेज हो गया, वो आपको चूज करनी है। सिमिलरली जो कंपल्सरी है आपको एक जनरल टेस्ट होगा। जनरल टेस्ट में क्या हो जाएगा आपका, दैट वहां पे आपके रीजनिंग, मैथ्स, क्वांट्स और जनरल नॉलेज एंड GS उसका टेस्ट होगा, जिसमें आउट ऑफ 75 क्वेश्चन आपको 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और मेन पार्ट इज जो आपका डोमेन टेस्ट होगा कि आप कौन से स्ट्रीम में अपनी एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने डोमेन चूज करने पड़ेंगे। डोमेन चूज करने के लिए ये देखना पड़ेगा आपको कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं और उस यूनिवर्सिटी के में कौन सी कंडीशंस हैं, आपने क्या क्या किया होना चाहिए। जैसे मैं अभी देख रहा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको कॉमर्स में एडमिशन लेना है तो आपको प्लस टू में भी कॉमर्स किया होना चाहिए, और अगर आपने साइंस बैकग्राउंड है आपकी, अपने प्लस टू में साइंस किया है, तो आप वहां पे कॉमर्स में एडमिशन नहीं ले सकते, इवन आप वहां पे आर्ट्स में भी एडमिशन नहीं ले सकते। सो इस तरह की कंडीशन आपको चेक करनी पड़ेंगी ताकि आपको पता लग सके कि आपको कौन से स्ट्रीम में जाना है और कौन सी आपको स्ट्रीम में वहां पे एडमिशन लेनी है। ये इंफॉर्मेशन क्योंकि अभी तक प्रॉपर इंफॉर्मेशन सब यूनिवर्सिटीज की नहीं आई है, सिर्फ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिन्होंने के ये CUET टेस्ट कंडक्ट करना है उन्होंने अपनी वेबसाइट लॉन्च की है, और 6 अप्रैल से, पहले तो कहा गया था 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक, परंतु अभी 6 अप्रैल से वहां पे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है, और 6 अप्रैल से लेके 6 मई तक ये प्रोसेस चलेगा, क्योंकि आपके एग्जाम चल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपको लगे कि आपको एग्जाम के बाद वहां पर रजिस्टर करना है। अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है तो विद इन दिस पर्टिकुलर टाइम आपको पहले यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा,
और रजिस्टर करके आपको चूज करना पड़ेगा कि आप कहाँ पे और कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। सो इस प्रोसेस को पहले कर रखिए, और अगर फिर भी आपको वहां पे कोई मुश्किल आ रही है तो हमें कॉल कीजिए। एक वीडियो हम बाद में और बनाएंगे, आपको बताएंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में और वहां पे कैसे आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। परंतु द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आप अपने डोमेन की तैयारी तो कर ही रहे हैं, ये तो हम मानते हैं, परंतु लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड वाला जो ये वाला पार्ट है, इसकी आपने तैयारी नहीं की होगी। इसकी तैयारी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी डोमेन की तैयारी की इंपॉर्टेंस है। सो क्योंकि सारी की सारी एडमिशन इन सब मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगी, इसीलिए आपको इस चीज की तैयारी भी अभी से साथ में शुरू कर देनी चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले कहा था आपको कि ये ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोग्राम हम लॉन्च कर रहे हैं, सो फॉर दिस यू मस्ट कॉन्टेक्ट अस इमीडिएटली, क्योंकि 15 अप्रैल से हम ये प्रोग्राम को लॉन्च करने वाले हैं। सो विद दिस वी विश यू ऑल द बेस्ट। हम चाहते हैं कि आपके कैरियर के लिए आप किसी अच्छी बढ़िया यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाएं और अपनी जिंदगी को सफल बनाएं। थैंक यू।